जय प्रकाश नारायण भारत के एक प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और राजनेता थे। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता था। जयप्रकाश नारायण को इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को सीता बदियारा बिहार में हुआ था। जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम देवकी बाबू और माता का नाम फूल रानी देवी था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती था। पत्नी प्रभावती का महात्मा गांधी के प्रति अपार स्नेह था, जिसके कारण वह कस्तूरबा गांधी के साथ गांधी आश्रम में रही। जयप्रकाश नारायण ने समाज शास्त्र से एमए किया। जयप्रकाश नारायण 1922 तक बिहार के विद्यापीठ से पढ़ाई करते रहे और उसके बाद अमेरिका चले गए। अमेरिका से आने के बाद इन्होंने भारत में चल रहे सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। आंदोलन में हिस्सा लेने का कारण ब्रिटिश सरकार ने इन्हें मद्रास से सितंबर 1937 में गिरफ्तार कर नासिक जेल भेज दिया। जयप्रकाश नारायण 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे। 1970 में ये इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व कर रहे थे। आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। जेल में तबीयत खराब होने के कारण इनको रिहा कर दिया गया था। आपातकाल के बाद जयप्रकाश नारायण ने जनता पार्टी के नाम से अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई। 1977 में इन्होंने इंदिरा गांधी के विरुद्ध चुनाव लड़ा और लोकनायक के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के चलते भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनाने में सफल हुए। जयप्रकाश नारायण ने मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री के पद पर मनोनीत किया था। जयप्रकाश नारायण का निधन 8 अक्टूबर 1979 को पटना में मधुमेह और हृदय रोग के कारण हुआ था। 1999 में जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1965 में समाज सेवा के लिए जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनके नाम पर ही पटना हवाई अड्डे का नाम नारायण जी रखा गया है। दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल भी उनके नाम पर ही रखा गया है। तो ये थी स्वतंत्रता सेनानी और भारत रत्न जयप्रकाश नारायण के विषय में कुछ जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी अनेकों जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।